यूँ तो बॉलीवुड की कई सारी खूबसूरत हसीनाओं को अपनी नेचुरल ब्यूटी से बहुत प्यार है, जिसके साथ उन्होंने आज तक कोई समझौता नहीं किया और आज भी उसे बरकरार रखा है। जिन्होंने ज्यादा खूबसूरत दिखने के लिए ना तो प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया, ना ही कोई एक्सपेरिमेंट अपनी नेचुरल ब्यूटी टोन पर किया, बल्कि वो जैसी है उन्होंने वैसे ही खुद को रखा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वहीं बड़े पर्दे की टॉप 15 एक्ट्रेसेस को तो अपना नेचुरल टोन ही लास्ट नहीं आया, जिस पर उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिसके बाद उनके टोन पर कैसा और कितना निखार आया है, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं एक्ट्रेसेस से आपको रूबरू कराने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं उनके बारे में तो आप हमारे साथ हमारी इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। नंबर 15, शिल्पा शेट्टी। फिटनेस के मामले में खुद को सबसे आगे रखने वाली एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को कौन नहीं जानता, जिनकी खूबसूरती आज भी बरकरार है। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि शिल्पा ने अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया है। जी हाँ, एक्ट्रेस ने अपनी नाक की सर्जरी करवाई हुई है, क्योंकि पहले इनका नाक काफी फैली हुई थी, जिसके चलते यह कुछ खास नजर नहीं आती थी। वहीं आपको बता दें कि पहले ये सांवली दिखती थी, लेकिन ग्लैमर की दुनिया में चमकने के लिए इन्होंने तरह तरह के फेशियल और कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा लिया है। नंबर 4, ऐश्वर्या राय। वहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री की नामचीन एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन तो अपनी नेचुरल टोन की वजह से ही मिस वर्ल्ड बनी थी, जो कि इन्हें रास नहीं आई, इसलिए इन्होंने अपने होठों पर फिलर, फेशियल फिलर्स, नाक का काम और गाल इम्प्लांट करवाए थे। हालांकि ऐश्वर्या ने कभी इस पर खुलकर बात नहीं की, लेकिन आप इनकी पहले की और अब की तस्वीरों में अंतर साफ देख सकते हैं। नंबर 13, नरगिस फाकरी। रॉकस्टार फेम एक्ट्रेस नरगिस फाकरी पहले से ही गोरी चेट्टी और नैन नक्श में सुंदर हैं। बावजूद इसके इन्होंने अपने होठों को और खूबसूरत बनाने के लिए सर्जरी का सहारा लिया था, जो कि इन पर सूट नहीं हुआ, जिसके चलते लोगों ने इन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया था, जो कि इनके लिए सही साबित नहीं हुई, जिसकी वजह से इनका करियर भी ठप हो चुका है। नंबर 12, कैटरीना कैफ। लाखों लोगों की फेवरेट एक्ट्रेस कैटरीना कैफ का बचपन से ही स्किन टोन काफी फेयर इन लवली रहा है। इनकी जितनी नेचुरलता किसी एक्ट्रेस में नहीं देखने को मिली है, मानो ये भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया है, जिनमें कोई कमी नजर नहीं आती। फिर भी एक्ट्रेस ने अपने लुक को ग्लैमरस से भरने के लिए नाक की सर्जरी करवाई है, जो कि इन पर सूट भी हो रही है, जिसके चलते सभी इनकी खूबसूरती पर मरते हैं। नंबर 11, प्रीति जिंटा। इस लिस्ट में बॉलीवुड की डिंपल गर्ल प्रीति जिंटा का नाम भी शुमार है। हालांकि इनके चेहरे पर डिंपल पड़ने से पहले ही ये काफी अट्रैक्टिव है, लेकिन इन्हें भी अपने होठों से शिकायत थी, सो इन्होंने भी प्लास्टिक का सहारा लिया और सर्जरी के जरिए अपने होठों की शेप बदलवाई। हालांकि प्रीति के लुक में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला, जिसके बाद इन्होंने अपने नाक की प्लास्टिक सर्जरी करवाई, जिसके बाद इनका लुक थोड़ा बेटर हुआ था। नंबर 10, वाणी कपूर। शुद्ध देसी रोमांस एक्ट्रेस वाणी कपूर को भी अपना नेचुरल टोन रास नहीं आया, इसलिए इन्होंने भी सर्जरी करवाई। जी हाँ, शुद्ध देसी रोमांस के बाद जब ये नजर आई तो फैंस एकदम शॉक रह गए, क्योंकि इनके चेहरे की शेप ही एकदम अलग लग रही थी, जिससे फैंस को लगा कि वाणी ने भी प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। हालांकि इन्होंने कभी पब्लिकली इस बात को स्वीकार नहीं किया है। नंबर 9, सुष्मिता सेन। विश्व सुंदरी का टैग पाने वाली सुष्मिता सेन को भी अपना नेचुरल टोन रास नहीं आया, और खबरों की माने तो इन्होंने भी कई सारी सर्जरी और एक्सपेरिमेंट के सहारे खुद को बदला है, और आज भी ये पहले की तरह ग्लैमरस और ब्यूटीफुल नजर आती है। साथ ही आपको बता दें, ये अपनी फिटनेस को लेकर बहुत सीरियस रहती है और आए दिन अपनी एक्सरसाइज करते हुए तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती है। नंबर 8, अदिति राव हैदरी। मर्डर 3 और रॉकस्टार जैसी फिल्मों में काम करके फेमस हुई एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी की स्किन टोन पहले से काफी फेयर रही है, जिनके आगे सारी एक्ट्रेसेस चाय कम पानी लगती हैं। बावजूद इसके इन्होंने अपने नाक को थोड़ा पतला और शेप में करवाने के लिए नोज जॉब का सहारा लिया है, जिसके चलते ये पहले से और भी ज्यादा क्यूट लगने लगी हैं, जो इनके लिए अच्छा साबित हुआ है। नंबर 7, आयशा टाकिया। बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री आयशा टाकिया आजमी को टार्जन और वॉन्टेड जैसी हिट फिल्मों के लिए जाना जाता है, जो अपनी स्माइल के लिए काफी मशहूर थी, मगर होठ और नाक की सर्जरी के बाद जब इनकी तस्वीरें सामने आई तो फैंस हैरान रह गए, क्योंकि सर्जरी फेल होने की वजह से इनका पूरा चेहरा बदल गया और लोगों ने इनका खूब मजाक बनाया था। नंबर 6, कंगना रनावत। बावरी गर्ल कंगना रनावत आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उन्होंने हिट होने के इस लंबे सफर को खुद ही तय किया है। ग्लैमरस की दुनिया में वो सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस में शामिल है, लेकिन कंगना ने भी अपनी खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा लिया और अपनी नेचुरल टोन खो दी है। नंबर 5, अनुष्का शर्मा। खूबसूरत एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से बॉलीवुड में अपनी बेहतरीन शुरुआत की। उस समय बाद इस सेलिब्रिटी ने लोगों के ध्यान में आने के बाद सुर्खियां बटोरी, क्योंकि इनके होठ पहले से काफी अलग लग रहे थे। इस पर अनुष्का ने कहा कि इन्होंने मेकअप तकनीकों के साथ मिलकर होठ बढ़ाने और उपकरण का इस्तेमाल किया है। हालांकि कुछ फैंस को अभी भी लगता है कि इन्होंने सर्जरी करवाई है। नंबर 4, प्रियंका चोपड़ा। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाने वाली प्रियंका चोपड़ा को भी अपनी नेचुरल टोन रास नहीं आया, जो कई बार प्लास्टिक सर्जरी करवा चुकी है। जी हाँ, इन्होंने अपने होठ और नाक की सर्जरी करवाई है। तस्वीरों में आप ये अंतर साफ देख सकते हैं। बता दें, इनकी ये सर्जरी इनके लिए अच्छी नहीं रही, तभी तो इनका करियर
आज खत्म सा हो चुका है। नंबर 3 श्रुति हसन। साउथ के सुपरस्टार एक्टर कमल हसन की बेटी श्रुति हसन ने बॉलीवुड में बहुत कम फिल्मों में काम किया है और इनकी एक भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित नहीं हुई। अगर खूबसूरती की बात की जाए तो श्रुति का मासूम सा चेहरा दर्शकों को देखते ही भा जाता है, लेकिन श्रुति ने भी ज्यादा ग्लैमरस बनने के लिए अपनी नाक और गालों की सर्जरी करवाई हुई है, जिसके लिए इन्होंने अपना नेचुरल टोन बदला है। नंबर 2 न्यासा देवगन। यूं तो अभिनेता अजय देवगन और काजोल की लाडली बेटी न्यासा देवगन पहले काफी मोटी नाटी सांवली और अजीब सी नजर आती थी, पर अब अचानक इनमें इतना चेंज आ गया है कि अब ये हॉट और फेयर एंड ब्यूटी लगती हैं, जिन्हें देखकर दर्शकों का मानना है कि इन्होंने सर्जरी करवाई है। पर हम आपको बता दें कि इन्होंने कोई सर्जरी नहीं करवाई, बल्कि इन्होंने तो माँ काजोल के अलग अलग ब्यूटी टिप्स अपनाए हैं और अपने चेहरे को निखार दिया है। नंबर 1 करिश्मा कपूर। अपनी खूबसूरत नीली नीली आंखों का जादू सभी पर चलाने वाली एक्ट्रेस करिश्मा कपूर अब किसी फिल्म में नजर नहीं आती, क्योंकि भले ही आज ये गोरी चिट्टी दिखती है लेकिन ये अपनी नेचुरल टोन खो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब इनका मासूम सा चेहरा बुढ़ापे में तब्दील हो गया है, जिन्होंने अपने नाक और होंठ की सर्जरी करवाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। तो दोस्तों, आप कुछ कहना चाहेंगे हस्तियों के बारे में जानकर कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी दमदार वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।